लगता है नेताजी की मुस्लिम समाज किस कितना परसेंट तक आपके साथ आने वाला है? देखिए परसेंट मत पूछिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है। नेताजी अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक बार फिर से इस चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर एक पहले में है, क्या मानते हैं आप? देखिए जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है, इसके पहले भी गठबंधन हो चुके हैं। नेताओं का गठबंधन होता है लेकिन जनता का गठबंधन नहीं होता है। जनता अपने विचार से जाती है और इस समय मोदी लहर चल रही है देश के अंदर, क्योंकि लोग श्रीलंका की स्थिति देख रहे हैं, लोग बगल में पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं, लोग जो है अमेरिका की आर्थिक स्थिति देख रहे हैं, सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति हालात जहां पर खराब हैं वहां पर मोदी जी ने सब चीजों को कंट्रोल करके रखा है, इसको सब समझते हैं, हिंदू भी समझते हैं मुसलमान भी समझते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 2014 में बीजेपी आई थी, 2024 में बीजेपी। आप किसी के व्यक्तिगत बयान पर मुझसे मत बुलवाइए। वो कोई थोड़ा सा दिमाग का कमजोर था। क्या लगता है मणिपुर क्यों नहीं संभल रहा है? हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आपसे, उत्तर प्रदेश पर करना हो करिए, बाकी मैं देश का जो है इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, बहुत सामान्य आदमी। देखिए विपक्ष पहले भी इकट्ठा हुआ था और विपक्ष हमेशा इकट्ठा होता है, लेकिन जनता जो है मोदी जी के पक्ष में ही इकट्ठा होती है। 2014 इकट्ठा हुई, 19 इकट्ठा हुई, 24 में भी इकट्ठा होगी, क्योंकि दुनिया के हालात देखिए आप क्या चल रहे हैं, अमेरिका के क्या हालात हैं, आपके पाकिस्तान के क्या हालात हैं, आटा क्या भाव बिकता है, दाल क्या भाव बिकती है, प्याज क्या भाव बिकता है, यहाँ पर बताइए किसी के ऊपर महंगाई का कोई असर है? ये काम किसके कारण हो रहा है? मोदी जी के कारण हो रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को ये कहना पड़ रहा है कि सीबीआई और ईडी के तहत आखिर क्यों सरकार बनाना चाहती है भाजपा? नहीं नहीं नहीं, देखिए इतना इतना बस मान करके चलिए कि 24 में मोदी जी का रथ कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनका रथ जनता हांक रही है, हिंदू मुसलमान अमीर गरीब सब मिलकर के उनका रथ हांक रहे हैं।